इसमें लकमान इन कॉन्टीन्यूएशन टू आर प्रीवियस डिस्कशन जहाँ पे हम पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट रिस्क एवर्जन एज वी डिस्कस के हमें इसमें थोड़ी और बात करेंगे ईच इन्वेस्टर विल डिफर हाउ दे व्यू रिस्क एज पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट कि मैं अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को और तरह से हो सकता है देख रहा हूँ मेरी रिस्क एपिटाइड रिस्क लाइकिंग कुछ और होगी एज अ सेकेंड इन्वेस्टर किसी एक की और होगी इवन कम इफ़ इट्स अ कंपनी कंपनी टू कंपनी वेरी करेगी उनकी मैनेजमेंट की डिज़ायर्स पे बेस करेगी तो ये एक वेरिएशन नॉर्मल है और एक्सपेक्टेड है सो वी शुड बी रेडी टू लर्न अबाउट इट वी शुड बी रेडी टू अप्लाई दैट तो मैयर ऑफ विलिंगनेस टू टेक रिस्क इज़ नोन एज रिस्क टॉलरेंस तो हमने रिस्क टॉलरेंस के दो एलिमेंट पढ़ ली एक अबिलिटी कि क्या ले सकते हैं एंड देन इट्स विलिंगनेस कि मेरी चॉइस क्या है कि मैं कितना रिस्क लेने का तैयार हूँ कितना रिस्क लेने का मेरा विल है कोई लोग बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग होंगे कुछ हमारे कम होंगे जिसकी हम अगर यू कैन रिकॉल हमने एक बात की थी दे थ्री टाइप्स रिस्क सीकर जर्नल लेवल की रिस्क वर्शन सब में होगी बट दीज आर मेन कैटेगरीज दैट फॉल्स इसको हमने ब्रीफली डिस्कस भी किया था इसकी इम्प्लिकेशन क्या है पोर्टफोलियो में और हमारा को हम इतनी वेट क्यों दे रहे हैं बिकॉज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो आर एम इज टू रिड्यूस द रिस्क अल्टीमेट जो एम है जो कि हम चाह ये रहे हैं कि विद रिड्यूसड रिस्क वी वॉन्ट टू हैव हायर रिटर्न यानी कि हायर रिटर्न विद लो रिस्क एक तो सिंपल अप्रोच है ना बहुत हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट ले लें और फिर रिटर्न भी ज्यादा आ जाए दैट्स फाइन बट जब हम पोर्टफोलियो का हमारा डिजायर है एम क्या है अच्छा रिटर्न आए बट रिस्क एडजस्टेड बेसिस और मैयर को डिस्कस करते हैं कि उसको कि फीलिंग क्या आती है उसको कौन सा पोर्टफोलियो बेहतर लगता है इसको थोड़ी सी मैं आपको बेसिक इकोनॉमिक्स से भी अगर रिलेट करूं तो हमने रिमांड ऑफ यूटिलिटी भी पढ़ा हुआ है कि वट यू प्रसिव एंड वट यू थिंक ऑफ एज अ गुड सो यहां पर फाइनेंस में भी यही देखना है हमने कि इन्वेस्टर को किस पोर्टफोलियो से कितनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन है क्या रेलेटिव यूटिलिटी है अगर तुम्हारे तो तो पास दो ऑप्शन है पोर्टफोलियो की तो मैं कौन सा एक्सेप्ट करूँगा जो मुझे ज्यादा अच्छी यूटिलिटी देगा इसको कैसे गेज करते हैं द फॉर्मूला इन द मिड ऑफ द पेज यू कैन सी हे यूटिलिटी फंक्शन ऑफ पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न और उसके एक्सपेक्टेड वेरियंस या एक्सपेक्टेड रिस्क से तो वो हमारी रिस्क वर्जन की गेज होगी तो यू कैन सी यूटिलिटी दैट द आंसर इज इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस हाफ ऑफ योर कॉफिशेंट ऑफ रिस्क वर्जन टाइम्स द पोर्टफोलियो वेरिए अब ये इसमें आप देखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हम एज्यूम करें होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन है तो वो भी सेम है वेरिएंस भी सेम है लेकिन यूटिलिटी फर्क क्यों आएगी क्योंकि कॉफिशियंट लोगों का फर्क होगा किसी का कॉफिशियंट ज्यादा होगा किसी का ऑफिशियंट कम होगा बेस्ड ऑन देयर रिस्क एपीटाइट रिस्क फेमिलैरिटी एंड देयर विलिंगनेस टू टेक द रिस्क इसको थोड़ा सा जरा आप डिटेल में बात करें तो इसमें जो ट्रिगरिंग पॉइंट आया वो ए है इन ऑफ वर्जन ए द मार्जिन रिवॉर्ड इज मैर्ड फॉर इन्वेस्टर नीड इन ऑर्डर टू टेक मोर रिस्क मैं एक इन्वेस्टर कितना ज्यादा रिटर्न मांगेगा अगर उसने फर्दर लेवल का रिस्क अडॉप्ट करना है तो और इसको अगर हम थोड़ा सा इंप्लीकेशन देखें हाउ इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड दीज आर फ्यू पॉइंट्स विच आर ऑफ इंपॉर्टेंस यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई एक फिक्स रोल नहीं है कि हमेशा हाई ही होगी हम कंपेयर कर रहे होंगे बिटवीन पोर्टफोलियोज सो इट कुड बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव हाई रिटर्न एड टू यूटिलिटी अच्छा रिटर्न होगा तो यूटिलिटी ज्यादा होगी डेफिनेटली विल बी गिविंग इट मोर इम्पॉर्टेंस कि मुझे उस पोर्टफोलियो से ज़्यादा रिटर्न आएगा तो मेरी यूटिलिटी फैक्टर को भी अच्छा इम्पैक्ट लेगा हाई वेरियंस रिड्यूस यूटिलिटी बिकॉज हाई वेरियंस वॉट डज देट मीन हाई वेरियंस मीन हाई रिस्क तो हाई रिस्क ज़्यादा होगा तो फिर यूटिलिटी को मेरी वो डिक्रीज कर देगा तो अगर कंपेरिजन में बात करेंगे तो ये वाला पोर्टफोलियो डिसलाइक हो जाएगा क्योंकि अगर इसमें वेरिएशन ज़्यादा है यूटिलिटी डज नॉट मईयर सेटिसफैक्शन ये पॉइंट्स को गेज तो कर रही है लेकिन उससे हम एक्चुअली कितने सेटिसफाई हो रहे हैं दैट्स नॉट रेलिवेंट बट स्टिल ये एक फैक्टर आउट कर देगी चीज़ों को कि उस पर हम पारे पे इम्पैक्ट कितना आ रहा है इट इज़ यूज टू रैंक पोर्टफोलियोज क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास च्वाइस मिलेंगी तो अब च्वाइस मिलेंगे आपको मैंने पांच इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियोज ऑप्शन दे दी अब कौन सा सिलेक्ट करेंगे तो यूटिलिटी उसमें हेल्प आउट करेगी रिस्क वर्जन रिलेट टू नोशन दैट इन्वेस्टर एज अ रूल वुड एवॉड रिस्क एक जनरल रूल है कि रिस्क हम नहीं लेना चाहेंगे रिस्क कब लेंगे जब हमें कुछ रिटर्न आएगा अब कोई थोड़े रिटर्न पे रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएगा कोई ज्यादा क्योंकि उनके बिहेवियर वाइज लेकिन सबको कुछ जस्टिफिकेशन चाहिए होगी जो कि हम आगे सी एम एल और एस एम एल की लाइन्स में जाके डिस्कस कर रहे होंगे कि गिवन लेवल पर लोग कितना रिटर्न मांग रहे हैं और उनको कितना रिटर्न आ रहा है तो उसको गेज करने में पोर्टफोलियो सिलेक्शन में रैंक करने में हेल्प आउट करेगा क्लासिक एग्जाम्पल वुड बी डिफरेंस इंडिविजुअल नेचर ऑफ रिस्क एवर्जन ड्यू टू प्रोमिस फॉर डिफरेंट बॉन्ड्स ग्रेड्स अब बॉन्ड्स हम लोगों ने देखे हैं कि हमने जिस तरह बात करते हैं डिफरेंट कंपनीज के बॉन्ड हैं इन बॉन्ड्स के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं ट्रिपल ए कैटेगरी का बॉन्ड है डबल ए ए बी देन वी हैव जंग बॉन्ड जिनको ट्रिपल बी से नीचे चले जाएंगे तो अब वहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ इनकी ग्रेडिंग है वट ड आप लोगों का क्या ख्याल है ट्रिपल ए का रिटर्न ज़्यादा होगा या ट्रिपल बी का थोरेटिकली तो शायद लगता है ट्रिपल ए का लेकिन ऐसा नहीं है ट्रिपल बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होगा बिकॉज ट्रिपल बी इज डीम्ड टू बी मोर रिस्की तो फॉर मोर रिस्क यू हैव टू अवॉयड मोर रिटर्न तो अब यहाँ पे अब हमें रिस्क लेवल पता है इसलिए मैं मुझे पता है कि मैं अगर ट्रिपल ए सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं कम रिस्क ले रहा हूँ आई विल बी हैप्पी विद लो रिटर्न इसकी जो डेवलपमेंट थी दैट वाज फ्रॉम फ्रेडमैन एंड सेवेज 1948 में ये स्टार्ट हुई और उन्होंने कंक्लूड किया है कि मॉडरेट लेवल का रिस्क हर कोई ले सकता है लेकिन उसको जब अगर प्रीमियम मिले तो प्रीमियम इज मास्ट फॉर टेकिंग रिस्क दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू नेम मेन फैक्टर टू ग्रेजुअली चेंज द इन्वेस्टर एटीट्यूड टूअर्ड रिस्क इज एक्चुअली द साइज ऑफ देयर वेल्थ ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बंदे की वेल्थ परसेप्शन ज्यादा है ही बी टेकिंग मोर रिस्क एक बंदे की वेल्थ परसेप्शन कम है वो कम रिस्क लेगा तो ये वेल्थ लेवल एंड दे विल प्ले अ रोल इन द सिलेक्शन और एडॉप्शन ऑफ द रिस्क थैंक यू